हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो आज के सेशन में हम लोग जानेंगे कि अगर आप लोगों ने सीयूटीपीजी 24 का एग्जाम दिया हुआ है तो इस बार आपको कितने मार्क्स लाने होंगे सो दैट आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में एडमिशन मिल जाए। और उसके साथ साथ हम लोग बात करने वाले हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार का जो ऑनलाइन कह सकते हो कि रजिस्ट्रेशन या ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस कब से स्टार्ट होने वाला है, उस डेट के बारे में भी चर्चा करेंगे कि आपके पास कब से कब का टाइम होगा। और उसके साथ साथ हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं आपको, अगर मैथमेटिक्स से आप लोग जा रहे हो तो आपका फ़ी कितना होगा, कट ऑफ कितना होगा, काउंसलिंग रेट क्या है, ये सारी चीज़ें आज के सेशन में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं। तो जब आप यहाँ पर आएंगे तो देखिए यहाँ पर लिखा है एडमिशन नोटिफिकेशन फॉर पीजी 2020-24-25। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे इस लिंक पर तो यहाँ पर आ जाइए, देखिए ये आपको दिखेगा। तो यहाँ पर आप लोगों को क्लियरली दिख रहा है कि ये जो आपको डेट दिया गया है इसका जो कब से स्टार्ट हो रहा है, 21st of April, मतलब 21 अप्रैल से ये स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पर आप डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज देख सकते हो कि यहाँ पर आप देखिए MA और MSc इन मैथमेटिक्स, तो आपका सब्जेक्ट यहाँ पर अवेलेबल है। और उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर ये जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का डेट है कब से कब तक है, 21 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक है। तो अगर आप लोग साउथ यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार में अगर एडमिशन लेना चाहते हो तो इस डेट के बीच में आपको इस वेबसाइट पर क्लिक करके अपने आप को यहाँ पर रजिस्टर करना होगा। और ध्यान रखिए अगर आप जनरल से हो, OBC से हो, EWS से हो, तो उसके केस में आप लोगों को रजिस्ट्रेशन फ़ी 500 रुपीज़ पे करना होगा। अगर आप SC ST या PWD से हैं तो उस केस में आपको 200 रुपीज़ यहाँ पर पे करना पड़ेगा। और उसके बाद जब आप यहाँ पर अप्लाई कर लेंगे तो फिर आपको कट ऑफ लिस्ट आएगी, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड और फोर्थ राउंड तक आता है। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि भाई आपका यहाँ पर एडमिशन हुआ है या नहीं हुआ है। उसके साथ साथ यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं, तो ये तो हमने बात कर लिया कि इस साल CUET PG 24 के बारे में कि इस साल अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो ऑनलाइन काउंसलिंग तो स्टार्ट हो चुकी है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि अच्छा तो कट ऑफ कितना जा सकता है। तो कट ऑफ के अगर बारे में हम बात करें तो लास्ट ईयर वाले वेबसाइट पर आ जाते हैं, तो एक बार हम लोग देख लेते हैं कि लास्ट ईयर जो कट ऑफ गया था, शायद वहां से आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि अगर आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके कितने मार्क्स होने चाहिए। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो देखिए, तो यहां पर आ जाता हूं, मैं आपको दिखा देता हूं। अब देखिए, अब यहां पर ये लास्ट ईयर का ये कट ऑफ है, थर्ड एडमिशन लिस्ट का कट ऑफ है। तो अब यहाँ पर थर्ड राउंड की अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हो MS 7th नंबर पर है, MSc इन मैथमेटिक्स। तो यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट ने रजिस्टर किया था सभी को एडमिशन मिल गया है। तो मतलब अगर उस केस में, जस्ट एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ, अगर किसी भी स्टूडेंट के 10 मार्क रहे होंगे, 5 मार्क रहे होंगे, 20 मार्क रहे होंगे, 200 मार्क्स रहे होंगे, तो सारे स्टूडेंट को यहाँ पर एडमिशन मिला था लास्ट ईयर। ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं छूटा था जिसने यहाँ पर ऑनलाइन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया था और जिससे एडमिशन नाम मिला हो। तो मतलब यहाँ पर आपके अगर मिनिमम मार्क्स हैं, बहुत कम मार्क्स अगर आपको लग रहा है आपके आए, तो आप सभी लोग इस काउंसलिंग प्रोसेस में यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हो। ये भी एक बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी है, यहाँ से आप लोग अपना MSc कर सकते हो मैथमेटिक्स। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं, ये तो ठीक हो गया कि कट ऑफ के बारे में, मतलब जितना भी कम से कम मार्क्स होगा तो भी आपको यहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा, भले से आपका मार्क्स कितना भी कम हो। और अब बात कर लेते हैं कितने सीट्स अवेलेबल हैं। तो हमें किस पर चर्चा करनी है, MA इन मैथमेटिक्स की या MA और MSc मैथमेटिक्स देखना हमें। तो MSc इन मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर देख सकते हो टोटल 45 सीट्स अवेलेबल हैं। तो अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार से MSc करना चाहते हो तो उस केस में आपको टोटल 45 सीट्स मिलेंगे। अब लास्ट में हम लोग बात कर लेते हैं कि चलिए तो ये हो गया, अब यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं, थोड़ा सा एलिजिबल कम है ये। देखो MSc इन मैथमेटिक्स ये रहा, तो इस केस में अगर 2024 और 25 की बात करूँ तो उस केस में आप लोगों को कितना पे करना पड़ेगा। तो इस साल अगर आप इस यूनिवर्सिटी से एडमिशन लेंगे या यहाँ से MSc करेंगे तो उस केस में आपको 9,218 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये आपका फ़ी स्ट्रक्चर है और MSc इन मैथमेटिक्स के लिए, क्लियर है। तो यहाँ पर हमने फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में देख लिया और उसके साथ साथ हमने देख लिया कट ऑफ क्या जा सकता है, नंबर ऑफ सीट्स देख लिया। ये था सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार के बारे में इन्फॉर्मेशन। फिर भी अगर आपके मन में और भी कोई डाउट है तो बिल्कुल आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। और उसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों ने अभी तक IFS का ऐप नहीं डाउनलोड किया है तो डाउनलोड कर लीजिए, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को फ्री मिलेंगी। जैसे कि आप देख सकते हो प्राइम क्लासेस है, रिकॉर्डेड लेक्चर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, नए क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो,
पेपर एनालिसिस देख सकते हो, मतलब कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिलेबस देख सकते हो, एग्जाम पैटर्न कट ऑफ देख सकते हो, एग्जाम में कितने स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया, मतलब एग्जाम से रिलेटेड, चाहे आप जैम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सीयूटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या किसी और भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो एग्जाम से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को एक ही जगह मिल जाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, प्ले स्टोर से आप IFS का ऐप डाउनलोड कर लीजिए और अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए। ध्यान रखें रजिस्टर करते वक्त आपको एग्जाम क्या सेलेक्ट करना है, IIT जैम मैथ्स। तो इस एग्जाम को जब आप सेलेक्ट करेंगे तो आप सारे कोर्सेज के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। अगर भले से आप मैथ्स एग्जाम को सेलेक्ट करते हैं ना, TUT के बारे में, NBHM के बारे में, TFR के बारे में, हर एक छोटी से छोटी जानकारी आप लोगों को यहाँ पर मिलेंगी। और उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हो, क्वेश्चन की प्रैक्टिस यहाँ से कर सकते हो, टॉपिक रिलेटेड आपको यहाँ पर क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को फ्री में मिलेंगी। तो अगर अभी तक आप लोगों ने IFS का ऐप नहीं डाउनलोड किया तो फटाफट डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू।